नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत। आपके लिए बड़ी खबर है, राजनीतिक गलियारे से खबर है। आपको सिटी पोस्ट पहले ही बता चुका है कि आरजेडी के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पाला बदल सकते हैं, पार्टी बदल सकते हैं। बहुत पहले से उन चल रहे हैं, नाराजगी के कई कारण हैं। लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि पार्टी राज्यसभा भेजेगी उनको, लेकिन पार्टी ने राज्यसभा में ऐसे लोगों को भेज दिया जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। आरोप लगा कि पैसा लेकर आरजेडी ने राज्यसभा भेज दिया कारोबारियों को, व्यापारियों को। विधान परिषद का चुनाव आया, उसमें भी उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने विरोध जताया। फिर पहले से नाराज थे ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कार्यशैली को लेकर, और कई बार आरोप लगा चुके थे कि डीएम का दफ्तर बन गया है आरजेडी का दफ्तर। तो जगदानंद सिंह के खिलाफ तो लगातार वो बोल रहे थे, उनके खिलाफ मोर्चा खुले ही हुए थे, लेकिन इस बीच कई ऐसे प्रकरण हुए जिससे उनकी नाराज़गी बढ़ती गई। राज्यसभा नहीं भेजे गए, विधान परिषद के चुनाव में उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया, और बिल्कुल पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया था। फिर क्या था, रघुवंश बाबू इसी बीच कोरोना के संक्रमण के शिकार हो गए, और जब पटना एम्स में भर्ती हुए तो उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक ने उनसे संपर्क किया, उनका हालचाल जाना, कुशल क्षेम पूछा, अपनत्व तो दिखाया। यानी जितना आरजेडी ने अपनापन नहीं दिखाया, उससे ज़्यादा तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने दिखाया। तो रघुवंश बाबू का दिल पसीज गया है और अब बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव गए थे, अभी दिल्ली में हैं रघुवंश बाबू उनको मनाने के लिए, लेकिन रघुवंश बाबू नहीं माने। आपको पता ही है कि रघुवंश बाबू रामा सिंह के पार्टी में एंट्री कराने को लेकर भी बेहद नाराज हो गए थे। पहले से तो नाराज थे ही, और उसमें आग में घी डालने का काम कर दिया तेजस्वी यादव ने रामा सिंह को पार्टी में लाने की कोशिश करके। रघुवंश बाबू को रामा सिंह ने ही पिछले चुनाव में हराया था, और रामा सिंह से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में रघुवंश बाबू को नज़रअंदाज करके बिना उनसे सलाह मशवरा किए उनके धूर विरोधी को पार्टी में लाए जाने की कोशिश हुई, तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो रघुवंश बाबू ने उसी समय से संकेत दे दिया था कि अब वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। तेजस्वी यादव मिले, मनाने की कोशिश की, कहा जा रहा है कि रांची दिल्ली एम्स में गए थे तेजस्वी यादव रघुवंश बाबू से मिलने, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन रघुवंश बाबू ने साफ कर दिया है कि एक बार जो उन्होंने फैसला ले लिया उस फैसले से वो हटने वाले नहीं हैं, फैसले पर अपने अंतिम समय तक टिके रहेंगे और पटना में आएंगे तो बड़ा फैसला लेंगे। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जेडीयू बीजेपी के नेता लगातार रघुवंश बाबू के संपर्क में हैं। रघुवंश बाबू कभी भी बीजेपी या जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है जेडीयू में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा रही है, जो उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, वो समाजवादी रहा है। बिहार में कहिए तो एक ही बड़ा समाजवादी नेता बचा हुआ है जो सक्रिय है और जिंदा है। तो नीतीश कुमार हर कीमत पर उनको लेना चाहेंगे, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि रघुवंश बाबू पटना आते ही जेडीयू में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। उनके जो समर्थक हैं काफ़ी खुश हैं, उनका कहना है कि आरजेडी जैसी पार्टी में जहां पर उनके जैसे नेता को सम्मान नहीं मिल रहा था, वहां बने रहना ठीक नहीं है। तो आरजेडी के जो समर्थक हैं रघुवंश बाबू के, वो लगातार उन पर दबाव बना रहे थे कि आप बीजेपी या जेडीयू के साथ जाइए, तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार तो नहीं हुए हैं उनके करीबियों के अनुसार, लेकिन जेडीयू के साथ जाने का मन बना सकते हैं। तो रघुवंश बाबू दो दिनों बाद पटना लौटेंगे और कोई बड़ा राजनीतिक ऐलान करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।